आज रायपुर नगर निगम में महापौर एजाज ढेबर ने नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार और सभी जोन कमिश्नर MIC के मेंबर सहित नवनिर्वाचित जोन अध्यक्ष की बैठक ली। इस बैठक में 15 प्रस्तावों को रखा गया था। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि इस बैठक में 15 प्रस्ताव पर चर्चा हुई और 15 प्रस्ताव को पास किया गया, जिसमें रायपुर नगर निगम के विकास को लेकर लंबित पेंशन प्रकरण के एजेंडों पर मुहर लगी। तालाबों के सौंदर्यकरण, गार्डन बनाने पर और बूढ़ा पारा में एक गार्डन बनाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा नगर निगम के कर्मचारियों की मेडिकल भत्ता पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा टैक्स पर भी चर्चा हुई। वहीं 50% टैक्स वृद्धि की बात हुई और 50% टैक्स वृद्धि को गिराया गया है। 15 एजेंडे में हमने चर्चा की और जो रायपुर के जो विकास के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है, बहुत सारे मुद्दे हुए, जैसे कि तेली बांधा में हम लोग गार्डन बनाने जा रहे हैं, जो हमने भी कृषि की जो जगह ली है वहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन बनने जा रहा है। साथ ही वहाँ तालाब का सौंदर्यकरण होना है, उसकी चर्चा हुई है। साथ ही बूढ़ा पारा में वो वहाँ पर उसकी चर्चा हुई है। ऐसी कई सारे जो विकास के मुद्दे हैं आज यहाँ पर उसमें चर्चा हुई है, और कुछ पेंशन वाले भी मामले थे उसमें भी चर्चा हुई, और कुछ अतिरिक्त जो हमारे कर्मचारी जिन लोगों को यहाँ से भत्ता मिलता है, मेडिकल भत्ता, उस पर चर्चा हुई है। और बहुत 14 एजेंडों पे चर्चा हुई है, 14 के 14 एजेंडे पास हुए। इसके अतिरिक्त एक और विषय आया था जिसमें 50% टैक्स वृद्धि की बात आई थी, जिसको हम लोग ने हमारी परिषद ने उसको गिरा दिया कि उसको नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें लिखा हुआ है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी टैक्स की वृद्धि नहीं करेंगे, इसलिए उसको उस प्रस्ताव को हम लोग ने गिरा दिया।